दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ अपने बेटे और अभिनेता टाइगर श्रॉफ की आगामी फिल्म वॉर को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बेटे के लिए इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ स्क्रीन साझा करना एक बड़ी उपलब्धि है। जैकी श्रॉफ का कहना है कि ऋतिक के साथ टाइगर का जुड़ाव लंबे समय से है। दोनों के बॉन्ड की शुरुआत तब से हुई जब से वह ऋतिक के पिता राकेश रोशन के साथ फिल्म किंग अंकल की शूटिंग कर रहे थे। किंग अंकल की शूटिंग कर रहा था, राकेश रोशन जी डायरेक्टर्स थे, हम गोवा में थे, असिस्टेंट डायरेक्टर ऋतिक बाबा था। तो ऋतिक मेरे टाइगर 4 साल का 5 साल का था, तो उसके साथ खेलता था, उसको उसका ध्यान भी देता था, मुझे भी डायलॉग समझाता था। तो अब उसका गुरु ही हो गया एक हिसाब से, कि वो जो छोटा बच्चा था जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो सर पे हाथ फिराया घुमाया, उसके साथ काम करने का मौका मिला। मेरे लिए तो बहुत बड़ा नसीब है कि इतने बड़े स्टार के साथ मेरा बच्चा काम कर रहा है और जिसको गुरु मानता है उसी के साथ काम मिला है। लगता है कि सबकी दुआएं आप लोगों की, बहुत बहुत शुक्रिया। जैकी मुंबई में मंगलवार को गायक पंकज उदास के साथ ट्रांसवासिया बायोमेडिकल द्वारा आयोजित थैलेसीमिया जागरूकता और स्क्रीनिंग शिविर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह फिल्म की शूटिंग से पहले टाइगर को टिप्स देते हैं, तो जैकी का जवाब था, टाइगर टिप कुछ टिप की बात नहीं करते हम लोग, कुछ क्या टिप दो बच्चे को, जो लिखा है नसीब में है मिलेगा। बाकी एक्साइटेड अगर बच्चा का एग्जाम है और रिजल्ट आने वाला है तो एक्साइटमेंट वो तो रहता ही है, बड़ो तेरा भी होगा ना, तेरा भी पास हुआ ना। वॉर में ऋतिक और टाइगर के अलावा वाणी कपूर, आशुतोष राणा भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। INS रिपोर्ट।